हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टॉप 20 जीके के क्वेश्चन में, जो हमारे आने वाले एमटीएस 2017 एग्ज़ाम के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम इस तरह के और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, छोटी सी एक गुजारिश है आपसे कि आप सभी अपने साथ पेन पेपर लेके बैठिए, उन सबको पेन डाउन करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं है, आप नोट्स बनाते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाते, ये कुछ तकलीफ कुछ बच्चों के साथ में होती है, तो आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन है कि आप कंटिन्यू इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार प्ले करना। 20 मिनट का वीडियो बने, 15 मिनट का वीडियो बने, जो भी बने, कम से कम आपको 3 बार तो कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पूर्ण राज्य से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने करा था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो करा था वो करा था जिलेट ने। बारूद की खोज करी थी रोजर बेकन ने। नटराज मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है नटराज मंदिर का, जी आप नोट करिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। अमेरिका 1776 ईस्वी में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में हुआ था। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार या लेखक कौन है? दांते। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? यह इंग्लैंड में 1168 ईस्वी में स्थापित हुआ था। भारत में मुद्रण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे और शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब विख्यात था। इसमें आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि औरंगजेब का अन्य नाम क्या था, तो इसको बोलते हैं जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन है कि यात्री कर अकबर ने बंद करवाया था। यात्री कर किसने बंद कराया था? ये कराया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासवदेव थे और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन था। नेताजी के खोने का अन्वेषण मुखर्जी कमीशन ने किया था। देखिए एग्जाम में हमसे पूछता है कि मुखर्जी कमीशन का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र, जो हमारे नेताजी थे, उनके खोने का जो भी साक्ष्य, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कौन सी कमीशन कर रही थी? ये कर रहे थे मुखर्जी। अगला है क्वेश्चन आपका, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल पेरोन थी। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन? डेनमार्क था। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है।
बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। धनवंतरी पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1968 में। किसको प्राप्त हुआ था? ये नाम आप याद रखिएगा, हर गोविंद खुराना को। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? एग्जाम में ये पूछे तो ये याद रखना आपको, चिकित्सा। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो इसमें लिखिए सिंपल आपकी, हर गोविंद खुराना चिकित्सा, नोबेल पुरस्कार 1968। बस इतना ही लिखना, और इस वीडियो को हो सके तो कम से कम 3 से 4 बार वॉच करना, वो भी कंटिन्यू। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शंस बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप इसको 4 से 5 बार वीडियो को वॉच करते हैं तो। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आज देखे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। जिन बच्चों का 10 दिन बाद MTS का एग्ज़ाम है, हमारी पूरी टीम की ओर से उन सभी को ऑल द बेस्ट, और ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल, अब समय काफ़ी कम है आपकी तैयारी के लिए, आपको सब रिवाइज भी करना है। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे GK के वो सब बस आप रट डालिए, ठीक है? ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।